आप तमाम नासरीन का एनडी टुडे न्यूज़ में खैर मक़दम है। महानकाली पुलिस ने सेल फोन स्नैचिंग में मुलविस दो शातिर मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई और इनके कब्जे से 9 स्मार्टफोन और एक पल्सर गाड़ी जुमला 3,50,000 रुपये की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बतारीख 23 अगस्त की सुबह की अवलिन सातों में महानकाली पुलिस के अहलकारों ने दो सेलफोन स्नैचर्स की गिरफ्तारी अमल में लाई जिसमें एक नाबालिग लड़का भी शामिल है। मुलजिमान पर शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन्स में कई सारे केसेस भी दर्ज बताए जा रहे हैं। मधुरा नगर पुलिस स्टेशन में एक, गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में दो, माधापुर में एक, बाचूपल्ली में एक और मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन में एक एक केसेस बताए जा रहे हैं। महानकाली पुलिस स्टेशन के हदूद और दीगर इलाकों में ये लोग मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातों में मुलविस पाए गए। सीसीटीवी फुटेज की तस्दीक करते हुए पुलिस ने आखिरकार मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई। इसमें एक नाबालिग लड़का भी शामिल है। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 9 मोबाइल फ़ोन्स, एक बजाज पल्सर गाड़ी और जुर्म के दौरान इस्तेमाल होने वाले दिगर मवाद को भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शिनाख्त कट्टामोरी कृष्णा उर्फ कट्टू है जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। ये मियाँपुर का रिहायशी है जबकि दूसरा मुलजिम नाबालिग है। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है एनडी टुडे न्यूज़ की एक खसूसी रिपोर्ट। क्राइम नंबर महाकाली पीएस, एक स्नैचिंग हुआ था सेलफोन का एंड उस केस के बारे में हम जांच कर रहे थे एंड बहुत लोगों को इंक्वायरी किए लोगों से एंड सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर रहे थे। प्रीवियस क्रिमिनल्स को भी हमने पूरा जांच किए हैं। बहुत मेहनत के बाद हमें दो लड़के मिले हैं, एक कृष्णा है, ये इधर के नहीं है पर इधर रहते हैं उनके सिस्टर के घर पे। 23 उम्र का है ये, रैपिडो बाइक चलाने वाला काम करता है। इसको एक सोच आया था कि हमें भी एक बाइक चाहिए एंड उसके दोस्त से एक बाइक लेके बजाज पल्सर NS200 व्हीकल। ये एक और लड़का जो छोटा लड़का है जुवेनाइल है उनका साथ लेके पूरा सिटी में मतलब हैदराबाद साइबराबाद रांचकोटा में हमको अभी पता चल रहा है कि 9 ऑफेंसेस किए हैं। 9 सेलफोन्स आप देख सकते हो इधर, पूरा स्मार्टफोन्स है, वन प्लस, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, वीवो, वर्क तो बहुत ज़्यादा ही होगा इसका एंड ये फोन्स ये लोग स्नैच करे थे विक्टिम्स से, अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स जो अपने फोन लेके जाते हैं बस देखते रहते हैं रोड पे कहीं भी। ये लोग टू व्हीलर में जाके उसे स्नैच करे थे, इसलिए हमने 382 IPC सेक्शन डाले हैं। इस सेक्शन के अंडर उनको 10 साल की सजा मिल सकती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। वेरी बैड क्योंकि ऐसी ऑफेंसेस करने वाले ऑफेंडर्स बाद में दे कैन टर्न इन टू बिगर ऑफेंडर्स जैसे कि स्नैचिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम ऐसा कदम लिए हैं कि 382 लगाने के ऊपर एंड पब्लिक को ये विज्ञप्ति करते हैं कि कभी भी स्नैचिंग का ऑफेंस आपके साथ हुआ नहीं तो आपके जो जान पहचान वाले हैं उनके साथ हुआ तो जरूर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल कर दीजिए। आपको 90% चांस है कि आपका फोन वापस मिल जाती है, उससे ज़्यादा भी चांसेस है। आजकल हमारा टेक्नोलॉजी एक और बन गई है जिसकी वजह से लॉस्ट फोन्स को भी हम ढूंढ के दे रहे हैं। तो स्नैचिंग का तो बिल्कुल अब डेफिनेटली पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट देनी चाहिए। कब से ये तो एक महीने से 15 डेज से कर रहे हैं। उसके पहले इनका हिस्ट्री हमें इतना पूरा नहीं पता है पर नेक्स्ट पुलिस कस्टडी में लेके और जांच करने वाले हैं।